हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन तुरंत करें। जिस तरह मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 की 10 आयत में लिखा है, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। मेरे प्रियो, आपने प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में एक परिणाम देखा होगा, और वह परिणाम है तुरंत। उन्होंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कब उतरा? तुरंत। कोड़ी पर हाथ रखा और कोड़ी कब चंगा हुआ? तुरंत। पतरस की सास का हाथ पकड़ा और वह कब चंगी हुई? तुरंत। बाइबल में लिखा है कि उसी समय प्रभु यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया, क्योंकि उनके अंदर एक भी कमी नहीं थी जो आज लोगों के अंदर होती है, और वह कमी है आलस की। आज लोग वह चीज नहीं करते जो परमेश्वर उन्हें करने को कह रहा है। फिर वह शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई परिणाम क्यों नहीं है। अगर आपके पिताजी आपसे एक गिलास पानी मांगे और आप दो दिन बाद पानी का गिलास दें, तो अब उन्हें उस पानी की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो काम आपको परमेश्वर ने करने के लिए बोला है, अगर आपने वह तुरंत और सही समय पर नहीं किया, तो फिर उस काम का परिणाम भी आपकी जिंदगी में तुरंत नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फालतू में आपको अपने पास नहीं बुलाया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। पर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से इसलिए परेशान हो सकता है क्योंकि उसको परमेश्वर की योजना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन परेशानियों में निकलने के बाद भी जब वह परमेश्वर के पीछे चलता जाएगा, तो एक दिन वह परमेश्वर की योजना को जरूर समझ पाएगा और वहां पहुंचेगा जहां परमेश्वर उसे पहुंचाना चाहता है। अगर आप मरकुस का पहला अध्याय पढ़ें, तो उसमें हर बात में प्रभु यीशु मसीह के साथ तुरंत शब्द आया है। एक सफल व्यक्ति, सफल पास्टर, प्रेरित या व्यापारी आपको कभी आलसी नहीं मिलेंगे। वे हमेशा जल्दी में मिलेंगे। वे अपने हर काम को जल्दी खत्म करने वाले होंगे, या उनकी एक आदत होगी। ज्यादा आराम एक मुर्दा व्यक्ति ही कर सकता है। आपकी जिंदगी में एक समय आता है जब आप परमेश्वर में और पवित्रता में बने रहते हैं, तब परमेश्वर की आग आपकी जिंदगी में प्रवेश करती है। तब आप जिस काम में हाथ डालते हैं, वह कभी भी ढीला नहीं होता। जब परमेश्वर की आग आपकी जिंदगी में होती है, तो आप परमेश्वर की योजना को समझते हुए तुरंत परमेश्वर के कामों को करते जाते हैं और परमेश्वर की योजना को पूरी कर पाते हैं। तब स्वर्ग हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। आमेन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा की आग इन लोगों के जीवन में प्रवेश करें और यह तुरंत आपके कामों को करते जाएं और आपकी मर्जी के अनुसार चलते जाएं। आपकी सारी योजनाएं इनकी जिंदगी में पूरी हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस घोषणा के सुनने के द्वारा, डिक्लेयर करने के द्वारा आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे और आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे रुके काम बने, सारे बंधन टूटे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।